हेलो फ्रेंड्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत यूनिट सेकेंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट सेकेंड में क्या क्वेश्चन नए सिलेबस के अनुसार बनेंगे और उन क्वेश्चंस में क्या आंसर होगा, ताकि आपको आंसर जो है वो ढूंढना सरल हो जाए। चलिए देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में क्या क्वेश्चन है। तो सेकेंड यूनिट में नए सिलेबस के आधार पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न इनपुट डिवाइस के बारे में बताइए। तो इसमें पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, बारकोड रीडर, स्कैनर के प्रकार, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताना है इस आंसर में, इनपुट डिवाइस के बारे में। इसका क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है, जैसे स्कैनर के बारे में अलग से जाएगा, जो कि यहाँ पर आगे दिया भी गया है। दूसरी यूनिट में क्वेश्चन आएगा स्कैनर क्या है या कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो स्कैनर भी कई प्रकार के होते हैं, OCR स्कैनर, MICR स्कैनर, तो ये स्कैनर के बारे में बताना है, ये भी इनपुट डिवाइस ही कहलाती है। इसी यूनिट में क्वेश्चन दिया गया आउटपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में भी बताना है। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जिससे हम आउटपुट देख सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया आपका, मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस यूनिट में दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है। तीसरा को अगला क्वेश्चन दिया गया कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइस के बारे में बता दीजिए, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं, जैसे प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इन आउटपुट डिवाइस के बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशन देना है। फिर दिया गया है मॉनिटर क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसकी विशेषताएं बतलाइए। आप कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के मॉनिटर, पहले CRT मॉनिटर इस्तेमाल होते थे, फिर LCD आए, फिर LED आए, ये कौन कौन से मॉनिटर होते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है इस क्वेश्चन के आंसर में। और यहाँ पर विशेषताएं बताना है हमको CRT मॉनिटर के बारे में, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, वो दिया गया है कि CRT मॉनिटर की वर्किंग भी है सिलेबस में और किस तरीके से ये कार्य करता है और इसमें इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, CRT मॉनिटर के बारे में बतलाना है। मॉनिटर में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न वीडियो स्टैंडर्ड के प्रकार बतलाइए, वीडियो स्टैंडर्ड के प्रकार बतलाना है, SVGA, VGA, ठीक है। इसके आंसर में हमको मॉनिटर के जो स्टैंडर्ड में परिवर्तन हुआ है उसके बारे में जानकारी देना है। फिर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हमने बताया था आपको कि प्रिंटर आता है। इस क्वेश्चन के आंसर में अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिंटर क्या है या कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, तो इस क्वेश्चन के आंसर में प्रिंटर के पूरे प्रकार समझाने हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, फिर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं, ड्रम प्रिंटर, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका जो नॉन इम्पैक्ट होता है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इन सब के बारे में डिटेल आपको बताना है। यदि आप ये चाहते हैं कि इनके आंसर आपको चाहिए, यदि आपको, तो इनके आंसर आपको PDF फाइल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लिक करके इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ से हमारे इस आंसर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया साउंड कार्ड और स्पीकर के बारे में बताइए। तो साउंड कार्ड नॉर्मली सभी प्रकार की साउंड डिवाइस में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर लैपटॉप में भी साउंड कार्ड हम अलग से भी लगाते हैं यदि कोई ऑडियो मिक्सिंग का कार्य कर रहा है। और स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो किस प्रकार के स्पीकर आते हैं इसके बारे में भी चूंकि सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है, इसी कारण से इसके क्वेश्चन को यहाँ पर रखना पड़ा। तो ये थे यूनिट सेकेंड के क्वेश्चन, जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं वो सिलेबस के अनुसार ही आते हैं, इसलिए हमने जो नया सिलेबस है उसको लिया और उसके अनुसार क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको हमने यहाँ पर बतला दिया है। इससे संबंधित कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में टाइप करें। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिल जाए, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। और जो भी स्टूडेंट आपके PGD से कर रहे हैं या आप यदि स्टूडेंट हैं और आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।